आमिर खान, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मारुति सुजुकी एक्सल 6 से, और हम देखने वाले हैं एक्सल 6 का जीटा वेरिएंट। तो आइए चलते हैं मारुति सुजुकी एक्सल 6 जीटा मेटालिक मैग्मा ग्रे कलर पर। ओके हेलो गाइस, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक्सल 6 की ये है फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पर आपको जो लाइट्स मिलते हैं ये कॉट चेम्बर व्हाइट कलर में लाइट्स मिलते हैं, जो 4 कोऑर्डिनेट्स लाइट्स होते हैं। देन अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो यहाँ पर आपको DRL का ऑप्शन मिल जाता है। एक्सल 6 में अगर हम देखते हैं तो दो ही मॉडल आते हैं, जैसे एक्सल 6 जीटा और एक्सल 6 अल्फा। तो हम सामने वाला जो मॉडल देख रहे हैं ये एक्सल 6 जीटा है। दोनों भी मॉडल में आपको DRL का ऑप्शन मिल जाता है। देन अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करें गाइस, तो यहाँ पर हमको मिलता है प्रोजेक्टर, यहाँ पर हमको मिलता है फोग लाइट जो कि व्हाइट कलर के अंदर होता है। यहाँ पर क्रोम फ्रंट ग्रिल मिलता है, और स्टाइलिश सुजुकी का जो लोगो है यहाँ पर आपको मिल जाता है। जो DRL है, DRL की जो लाइटिंग है और उसको मैच होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो फ्रंट एंड ग्रिल है क्रोम, और जो सुजुकी का लोगो है ये एकदम स्टाइलिश लोगो लगता है। और फ्रंट एंड साइड से अगर देख रहे हैं तो काफ़ी स्टाइलिश इसका जो है तो लुक बनता है। देन गाइज, अगर हम फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करें, गाड़ी के हुड की बात करें, तो इसका जो डिज़ाइन बना हुआ है वो टोटल लिक्विड फ्लू डिज़ाइन है। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि कार जो है आपका वो काफ़ी स्टेबल होता है, स्टेबल चलता है, और जो एयर कटिंग है वो प्रॉपरली कार को मिलता है। उस हिसाब से जो इसका फ्रंट एंड साइड जो डिज़ाइन किया हुआ है वो प्रॉपरली एयर कटिंग डिज़ाइन किया हुआ है। गाइज, हम चलते हैं एक्सल 6 के साइड प्रोफाइल में। यहाँ पर आपको मिलता है ब्लैक साइड स्कर्टिंग जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है कार को। यहाँ पर हम देखते हैं तो आपको जो है तो ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, 15-inch अलॉय व्हील आपको ऑफर किए जाते हैं एक्सल 6 के दोनों भी वेरिएंट में, R15 अलॉय व्हील्स है। देन अगर हम देखते हैं गाइस, तो यहाँ पर आपको आउटसाइड रियर मिरर पर जो है तो टर्न इंडिकेटर मिलता है, और जिसमें ब्लैक फिनिश होता है। बॉडी कलर और ब्लैक का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। देन गाइज, अगर हम साइड व्यू से अगर देखते हैं कार को, तो जो है तो आपको यहाँ पर क्रोम डोर हैंडल मिलता है, और स्मार्ट कीलेस एंट्री के साथ साथ आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट स्विच का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है गाइज। ओके सर, वहाँ पे देन आपको स्पोर्टी लुक के लिए यहाँ पर आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं दोनों भी वेरिएंट में। दोनों भी मॉडल में आपको रूफ रेल्स यहाँ पर सिल्वर कलर में रूफ रेल्स मिलते हैं, जो काफ़ी इनहेंस और काफ़ी स्पोर्टी लुक जो है तो गाड़ी को देते हैं। कार का जो हम साइड प्रोफाइल देखें वो काफ़ी स्पोर्टी है, साथ में हम देखें तो काफ़ी स्पोर्टी लुक गाड़ी को मिलता है यहाँ पर। तो हम कार का रियर प्रोफाइल देखते हैं, आइए हम कार के रियर प्रोफाइल में देखते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी वाइडर और काफ़ी बड़े शेप में आपको यहाँ पर टेल लाइट मिलते हैं। देन नेक्सा का बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाता है। देन वाइपर, वॉशर, डिफोगर का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है दोनों भी वेरिएंट्स में। देन स्टाइलिश जो है तो सुजुकी का लोगो मिलता है, और रियर साइड में क्रोम एसेंट का जो है तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मारुति सुजुकी का एक्सल 6 जो है ये स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, और 4 जो है यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग के सेंसर्स मिल जाते हैं, और दोनों भी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर सामने से मिल जाते हैं। ब्लैक एंड ग्रे कलर में मिलता है सर इसका लुक। इसमें जो है रियर का प्रोफाइल है ब्लैक, और बॉडी कलर के अंदर इसका रियर का प्रोफाइल आता है जो एकदम एनहांस लुक इसको प्रोवाइड करता है। इसमें वाइट कलर में भी काफ़ी शानदार दिखता है, और हर कलर में बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। देन ओके सर, अभी बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। बूट स्पेस देखते हैं हम यहाँ पर गाइस। तो यहाँ पर एक सॉफ्ट टच ओपनर है, यहाँ पर आपको इसको लाइटली प्रेस करना है, तो एक सॉफ्ट टच ओपनर है। यहाँ से कार जो है तो आपका डिक्की स्पेस आप जो है तो ओपन कर सकते हैं। ओके तो आइए गाइस, हम देखते हैं रियर प्रोफाइल में जो है तो कार में जो बूट स्पेस दिया गया है, ये 192 का स्पेस यहाँ पर बूट स्पेस होता है, जहाँ पर आपको फ्लोर कॉन्सिल भी दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है सर यहाँ पे, इस काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। 7 सीटर हैं सर ये, 6 सीटर है, मारुति सुजुकी नेक्सा का 6 सीटर व्हीकल है। ओके, यहाँ पर रियर सीट में भी हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। यहाँ पर अगर हमको बूट स्पेस अगर हमको बढ़ाना है तो हम यहाँ पर बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं 60-40 का, यहाँ पर 100% फोल्ड कर सकते हैं, या 50-50 का ऑप्शन यहाँ पर हमको हो जाता है रियर सीट में। मतलब 50-50 का ऑप्शन मिलता है, 50-50 में यहाँ पर हम ऑप्शन है। यहाँ पर हैंड रेस्ट है, देन बॉटल होल्डर यहाँ पर दिए हुए हैं जो हम इंटीरियर से कार में अंदर चेक करेंगे। ठीक है, तो सर हम ये जो वेरिएंट देख रहे हैं कौन सा वेरिएंट है सर? जीटा वेरिएंट है,
XL6 का जीटा वेरिएंट, सेकंड टॉप मॉडल है। यस यस जी 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 सर। ओके सर, चलिए सर अभी इंटीरियर में चलते हैं, इंटीरियर में आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आइए गाइस हम चलते हैं कार के इंटीरियर में। इसके दोनों वेरिएंट में कुछ इस तरीके की आपको की मिल जाती है, जिसपे आप लॉक अनलॉक के आपको बटन होते हैं। देन यहाँ पर सेंसर ऑपरेटिंग होता है, जब हम कार के नज़दीक आते हैं तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट स्विच मिलता है, हमको कार को हमको यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट से कार आपका अनलॉक हो जाता है। देन कार से उतरने के बाद जब हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं तो ये लॉक हो जाता है। चारों भी डोर्स अगर हमको ओपन करने हैं तो यहाँ पर हमको दो बार प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से विद डिक्की ऑल डोर ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ओके, देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं ड्राइवर साइड जो डोर है यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको लेदर फिनिश्ड आर्मरेस्ट मिल जाता है। देन स्टोन फिनिश कॉकपिट मिल जाता है। ऑल पावर विंडोज, डोर स्पीकर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। मैप पैकेट्स यहाँ पर दिया हुआ है। विंडो लॉक अनलॉक के यहाँ पर आपको बटन दिए हैं और सेंटर लॉक का बटन यहाँ पर दिया हुआ है। आउटसाइड मिरर जो है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ये काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है XL6 में। देन दो ट्यूटर भी यहाँ पर आपको एडिशनल मिलते हैं, स्पीकर म्यूजिक सपोर्टिंग के लिए स्पीकर है चारों बी डोर्स में। देन दो ट्यूटर भी आपको यहाँ पर एडिशनल मिल जाते हैं। तो गाइज ये है 6-way एडजस्टेबल सीट, यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, रिक्लाइनटेशन पुशन बैक का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। देन अगर हम प्रोफाइल में अंदर इंटीरियर में अगर हम देखते हैं तो इंटीरियर में आपको यहाँ पर स्टोन फिनिश कॉकपिट मिलता है। देन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक यहाँ पर बनता है। देन अगर फ्रंट प्रोफाइल से अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पर बटन मिल जाता है। गाइज ये है स्टीयरिंग, गाइज ये है XL6 का स्टीयरिंग जो काफ़ी स्टाइलिश है। यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोलिंग का जो है तो सिस्टम यहाँ पर मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोलिंग सिस्टम है। देन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिल जाता है। गाइज यहाँ पर आपको मिल रहा है क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। देन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको कलर TFT आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल जाता है। और गाइज ये है XL6 का मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, यहाँ पर आपको किलोमीटर रीडिंग, स्पीडोमीटर, टॉर्क मीटर, ड्राइविंग टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में। देन ये है आपका स्मार्ट हाइब्रिड की लोगो। देन गाइज अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो आपको काफ़ी स्टाइलिश स्टोन फिनिश कॉकपिट यहाँ पर मिल जाता है फ्रंट एंड साइड में। देन ये है मल्टी आपका स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि नेक्सा की XL6 में दोनों वेरिएंट में आता है। सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिलता है, देन यहाँ पर आपको स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं तो मीडिया कनेक्टिविटी है, यहाँ पर आप FM अगर हम देख सकते हैं तो पर FM है, AM, DRM, USB, ब्लूटूथ और AUX का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। देन उसके साथ साथ यहाँ पर फ़ोन कनेक्टिविटी होती है, आप ब्लूटूथ से आपका फ़ोन यहाँ पर पेयर करके आपके फ़ोन की इंफॉर्मेशन आप मल्टी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप आपके फ़ोन की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। देन कॉर्ड कनेक्टिविटी यहाँ पर दी है, आप कॉर्ड कनेक्ट करके आपका फ़ोन यहाँ पर पेयर कर सकते हैं और आपके फ़ोन से यहाँ पर आप नेविगेशन वगैरह आप ऑपरेट कर सकते हैं। देन ये सपोर्ट करता है एप्पल कार प्ले को, देन एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है, मिरर लिंक यहाँ पर सपोर्टेबल है, तो बहुत से फंक्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। देन यहाँ पर हम ये जो जीटा वेरिएंट है इसमें रिवर्स कैमरा नहीं मिलता, बट हम यहाँ पर शोरूम से इसको रिवर्स कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। देन गाइज अगर हम देखते हैं नीचे की साइड में तो यहाँ पर आपको मिल जाता है AC का फंक्शन, यहाँ पर ऑटोमेटिक AC का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, हीटर का ऑप्शन दिया हुआ है। देन फ्रंट एंड रियर के डिफोवर के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। देन गाइज अगर हम उसके नीचे के प्रोफाइल में अगर हम देखते हैं तो नीचे साइड में यहाँ पर आपको USB AUX का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। देन यहाँ पर 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। देन गाइज अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक कूल बॉक्स यहाँ पर फ्लोर कंसोल दिया हुआ है, जहाँ पर कूलिंग यहाँ पर ऑप्शन दिया है,
ड्राइवर की टैब, आप कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ बॉटल लेके चल रहे हो तो यहाँ पे आपकी ठंडी रहेंगी। कप होल्डर यहाँ पर आपको कूलिंग दिए हुए हैं, यहाँ पर आपका वो कूलिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। देन यहाँ पर आप देखते हैं तो 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गाइज आपको मिल जाता है और स्टाइलिश यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। देन गाइज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं XL6 में तो आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है जो कि मूवेबल है, आप यहाँ पर इसको मूव कर सकते हैं फ्रंट एंड रियर में। देन यहाँ पर एक सॉफ्ट टच ओपनर होता है और थोड़ा यहाँ पर स्पेस भी यहाँ पर आपको XL6 के आर्मरेस्ट में गाइज मिल जाता है। देन गाइज अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्टाइलिश एक सन ग्लास होल्डर यहाँ पर मिल जाता है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं गाइज तो हैलोजन लाइट्स के ऑप्शन यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। देन सन वाइजर देखे तो काफ़ी वाइडर है, बहुत सारी गाड़ियों में अगर देखते हैं तो ये छोटे होते हैं जिसकी वजह से साइड से सन लाइट आती है, बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सन वाइजर काफ़ी यहाँ पर बड़े हैं, इसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है सन वाइजर्स। देन अगर हम को ड्राइवर साइड सन वाइजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है ऑप्शन में। ओके सर। देन मिडल अगर हम IRVM की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैनुअली आप इसको सेट कर सकते हैं, आपके जो भी एडजस्टमेंट यहाँ पर दी हुई है आप यहाँ से आप उसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ग्लो बॉक्स की बात अगर हम ग्लो बॉक्स की बात करें तो काफी वाइड है, काफी बड़ा यहाँ पर ग्लो बॉक्स आपको देखने को मिलता है, काफी अच्छा स्टोरेज यहाँ पर मिल जाता है। सर एक कूलिंग ग्लो बॉक्स मिलता है, कूल ग्लो बॉक्स नहीं है ये, नॉर्मल ग्लो बॉक्स होता है, बट काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर है। ओके अगर सीट्स की बात करें सर तो अगर हम सीट्स की बात करें गाइस तो यहाँ पर हमको जो सीट्स मिलने वाली हैं यहाँ पर हमको फैब्रिक सीट्स मिलती है जहाँ पर आपको फिनिशिंग यहाँ पर लेदर का फिनिशिंग साइड से लेदर का फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर हम अल्फा पे जाते हैं सर तो अगर हम अल्फा वेरियंट की अगर बात करें तो अल्फा वेरियंट में यहाँ पर आपको नॉर्मल से फीचर्स चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे लेदर सीट ऑफ एलएससी मिल जाता है हमको टॉप एंड अल्फा वेरियंट में, और स्टेयरिंग पर जो है लेदर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील कवर आपको टॉप एंड अल्फा में इनबिल्ड मिल जाता है। देन अगर हम अल्फा से यहाँ पर कंपैरिजन करें तो अल्फा में रिवर्स पार्किंग कैमरा इनबिल्ड होता है जो कंपनी फिटेड होता है। ओके ओके सर अभी रियर कैबिन में चलते हैं और कैबिन में हम देखते हैं रियर कैबिन प्रोफाइल और हम चेक करते हैं, आइए गाइज हम देख सकते हैं यहाँ पर इसका एंट्री काफी ज्यादा इजी है, इसका हाइट काफी ज्यादा है और यहाँ पर आपको जो सीट्स मिल रहे हैं वो सीट्स काफ़ी यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स ऑप्शन मिलते हैं और यहाँ पर आर्मरेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर है मिडल एंड सीट्स में, यहाँ पर आप लॉन्ग ड्राइव के टाइम लॉन्ग ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो आपको वाइल्ड ड्राइविंग आपको जो है तो थकावट नहीं होती क्योंकि ये एकदम कैप्टन सीट्स है, जो प्लेन में जो सीट्स होती है कैप्टन सीट्स उससे इंस्पायर होकर इसके सीट्स को डिज़ाइन किया हुआ है, इसके कैबिन को डिज़ाइन किया हुआ है। और जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका विंडो है, इसका विंडो जो ग्लास है वो काफ़ी वाइडर है, इसकी वजह से जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा व्यू है वो हमको यहाँ पर मिल जाता है और इसमें कहीं पर भी बीच में कोई लाइनिंग या कटिंग नहीं है तो वो भी एक ज़बरदस्त फील यहाँ पर हमको मिल जाता है। देन पावर विंडोज़ के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आप अप एंड डाउन पावर विंडोज कर सकते हैं, यहाँ पर मैनुअली भी आप हेडरेस्ट की बात करें सर तो अगर आप हेडरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है XL6 में। देन अगर हम मोबाइल चार्जिंग सॉकेट की बात करें तो यहाँ पर 12 वोल्ट का वापस से आपको एक मोबाइल चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए यहाँ पर कुछ स्टोरेज दिया गया है, तो छोटी छोटी चीज़ें होती है गाइस जो हमने कार में जो है तो मारुति ने XL6 को डिज़ाइन करते हुए बनाई है जो कि प्रैक्टिकली जब बंदा कार को यूज़ करता है तो उस वक्त में ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, वाइल्ड ड्राइविंग जो भी है उसको ये जो है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जिसमें आता है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है, छोटे छोटे फीचर्स है बट टोटल यूज़फुल फीचर है और सारे फीचर्स मारुति सुजुकी ने इसीलिए अपनी कार में दिए हैं ताकि कस्टमर उसको 100% यूज़ कर सके। ओके सर एसी की बात करें तो रियर कैबिन के लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल यहाँ पर आपका एसी का वेंट दिया है अपर साइड में, यहाँ पर जो एसी का वेंट है काफ़ी ज़्यादा मतलब रियर कैबिन के हिसाब से उस हिसाब से सफिशेंट है और रियर का जो आपका स्पेस है वो जल्दी कूलिंग कर देता है और काफ़ी फास्ट कूलिंग इसका होता है
और रियर प्रोफाइल जल्दी आपका पूरा खुल हो जाता है। ओके सर, आप मुझे आप अगर पीछे जाके बताएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बताया था, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मेरा हाइट 6 फीट 3 इंच है और मैं आराम से यहाँ पर बैठा हूँ। लेग रूम भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है और अगर मैं मिडल सीट से जो ऑप्शन दिया गया है रियर सीट में वाइल्ड ड्राइविंग, अगर ड्राइविंग शुरू है तब भी हम रियर सीट में रियर प्रोफाइल में जा सकते हैं। यहाँ से उतना स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम रियर प्रोफाइल में जाना चाहते हैं चलती कार में तो हम यहाँ से जा सकते हैं। तो गाइस ये है XS6 की रियर सीट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पर हेडरूम काफ़ी ज़्यादा हेडरूम अच्छा मिल रहा है। देन यहाँ पर जो स्पेस है स्पेशली मेरे लिए, मेरा हाइट ज़्यादा होने की वजह से जो स्पेस यहाँ पर मुझे मिल रहा है वो काफ़ी इन्हेंस स्पेस मिल रहा है, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर मुझे मिल रहा है। देन यहाँ पर आमरेस भी यहाँ पर दिए हुए हैं और बॉटल होल्डर्स भी यहाँ हैं और एक छोटा विंडो यहाँ पर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ से व्यू आता है, फ्रंट एंड साइड से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है। देन अगर हम रियर प्रोफाइल के रियर साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। ये छोटे छोटे फीचर्स है गाइस जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं यूजिंग के लिए, तो मारुति सुजुकी उसी के हिसाब से इसको बनाता है। देन यहाँ पर आपको हैंडल्स दिए हुए हैं, फ्रंट एंड साइड पे हैंडल्स दिए हुए हैं और स्पेशली आपने गाइस नोट किया रहेगा कि यहाँ पर हर सीट में स्पेशली जो है तो सीट बेल्ट दिए हैं जो रिट्रैक्टेबल हैं, ठीक है। देन काफ़ी अच्छे फीचर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं और हेडरेस्ट जो एडजस्टेबल के ऑप्शन है यहाँ पर दिए हुए हैं, थर्ड रो में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, थर्ड रो में भी हमको एडजस्टेबल, जबरदस्त अच्छा फीचर है। यस, और जब हम रियर मतलब डिक्की स्पेस में अगर हमको कोई चीज अगर लेना है तो हम यहाँ से इसको ऑपरेट करके रिक्लाइन कर सकते हैं, रिक्लाइन इसको फ्रंट एंड साइड पे इसको रिक्लाइन करके हम डिक्की को ओपन कर सकते हैं, या अगर ज्यादा लगेज है तो हम यहाँ पर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अगर बैठने वाला बंदा कोई साइड में नहीं है तो यहाँ पर भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर है गाइस इसका। ओके सर, अगर मुझे गाड़ी लेना है तो मैं कहाँ पे विजिट कर सकता हूँ? जी सर, अगर आपको कार लेना है तो आप मारुति सुजुकी के नेक्सा चैनल पे विजिट कर सकते हैं जो कि जलगांव में अवेलेबल है, आपको एयरपोर्ट रोड पर औरंगाबाद हाईवे में आपको यहाँ पर आरएल चौपुली के पास में आपको नेक्सा का शोरूम है जहाँ पर सर्विस स्टेशन भी है, शोरूम भी है। और गाइज मेरा नाम है आमिर खान, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9422808836, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं।